गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि ये जो गार्मिन जीपीएस ETREX10 है, इसके वेब पॉइंट को, जो इसके द्वारा वेब पॉइंट मार्क किए गए हैं साइट पे, है ना, इसके वेब पॉइंट को हम लैपटॉप पे कैसे ट्रांसफर करें। तो देखिए, ये आपका क्या है, गार्मिन जीपीएस 72H इसके लिए जरूरत होगी और ये डेटा केबल की जरूरत होगी और लैपटॉप की। तो ये हम क्या करते हैं, गार्मिन जीपीएस 72H के ये जो डेटा केबल है, इसके एक पोर्शन को हम इस पे कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया इसका एक पोर्शन, और दूसरे पोर्शन को हम क्या करते हैं, लैपटॉप के इधर की तरफ कर देते हैं। तो देखिए, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। इसमें दिखा रहा कितने परसेंट हुआ, अभी 2% हुआ, 10% कंप्लीट हुआ ना फॉर्मेटिंग। तो ये पूरा जब 100% हो जाएगा, इसके बाद क्या है, इसके जो वेब पॉइंट है वो क्या होंगे, सिस्टम में आपके आ पाएंगे। ठीक है, 99% हो गया, ये हो गया अपना कंप्लीट, ये गार्मिन लिख के आ गया ना। इसको थोड़ा सा अभी ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें चलना होगा किधर, सिस्टम में। ठीक, सिस्टम में हम किस पे ऑप्शन में जाएंगे, माई कंप्यूटर के ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये माई कंप्यूटर को आप ओपन कर दीजिए। देखिए, माई कंप्यूटर को जब आप ओपन कर रहे हैं, इसमें आप देखिए गार्मिन जी लिख के आ रहा है इधर। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा, गार्मिन जी है, गार्मिन जी में आप क्लिक करिए। चूंकि हमने गार्मिन का वो लगाया ना एक्सटर्नल जो डिवाइस है, तो हमने ये गार्मिन जी को क्लिक कर दिया। अब गार्मिन जी में आपको जाना है गार्मिन के ऑप्शन पे। गार्मिन के ऑप्शन पे जाने के बाद आप जीपीएक्स पे क्लिक करेंगे। देखिए, जीपीएक्स पे क्लिक करने के बाद इसमें जो वेब पॉइंट पहले से मार्क है वो आ गए कि किस किस डेट में, 1 जनवरी 2021 को है, 4 फरवरी 2021 को है, 6 अप्रैल 2021 को पॉइंट मार्क है, 7 अप्रैल 8 अप्रैल 10 अप्रैल। इसको जैसे हम एक पॉइंट ओपन कर देते हैं, ये देखिए इसमें जितने पॉइंट मार्क थे, 3 से लेके आपके कितने, ये पूरे क्या है, ये पॉइंट इसमें आ गए 3 से लेके 73। तो इस जीपीएस में क्या है ना, ये जो आपका गार्मिन जीपीएस ETREX10 है, इस जीपीएस में क्या होता है, डेट वाइज क्या होंगे, पॉइंट सेव हो जाते हैं। तो इससे क्या है, आपको पॉइंट जो है क्या, लैपटॉप के माध्यम से फाइंड आउट करना काफी इजी है, क्योंकि इसमें पूरे पॉइंट आपके सेव हो जाएंगे डेट वाइज, और उसको आप सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। लेकिन आपके सिस्टम में ये वेब पॉइंट तभी ओपन होंगे जब आपके सिस्टम में मैप सोर्स इंस्टॉल होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गार्मिन जीपीएस ETREX10 के वेब पॉइंट को लैपटॉप पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो कारगर साबित होगा। धन्यवाद।